विजिलेंस ब्यूरो ने फाजिलका जिले के थाना अमीर खास के SHO गुरिंदर सिंह वड़ैच को रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। गांव सुखेरा बोदला के करनैल सिंह ने सब इंस्पेक्टर गुरिंदर सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाकर गुरिंदर सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। आइए इस मामले को विस्तार से जानने के लिए कुछ बाइट्स सुन लेते हैं। एक करनैल सिंह वासी फाजिलका ने सानू ये शिकायत की थी कि उसने एक जड़ी जेसीबी मशीन है वो निर्मल सिंह वासी पिंड फरोशा तो खरीद की थी 2018 च अते उसने इस जी जेसीबी मशीन के उपर एक बिट्टू नाम का व्यक्ति से जोड़ा वो बतौर ड्राइवर रखा सी। मेरी 13/6/19 मखण सिंह वासी जो जिला फिरोजपुर का हैगा वो अपने 4-5 होर साथियों के नाल आया तो वो जी मशीन सी जेबी सी वो बिट्टू और ड्राइवर तो जबरी जरा खो के लै गया। इस संबंध में जरा करनैल सिंह उसने एक लिखती दरखास्त से जरा SHO गुरिंदर सिंह थाना अमीर खास दिती सी इन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई करने वास्ते, पर SHO से जरा वो कई दिनों तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अखीर उन्हें डिमांड रखी कि जे मैं कार्रवाई इसे तो करा जे 1,00,000 रुपया उन्होंने बतौर जोड़े रिश्वत दिते जाएंगे। जो करनैल सिंह से उन्हें काफ़ी उत्ते तला मिलता किए कि मैं गरीब बंदा इन्ने पैसे नहीं दे सकता, तो इन्हों का जोड़ा सगा ये SHO 2 किश्तों में जोड़े पैसे लैन दे सहमत हो गया। जो 50,000 से वह FIR दर्ज करने तो पहला दूसरे 50,000 FIR दर्ज करने तो बाद उस दिन जोड़े आ 27,000 रुपया जो करनैल सिंह तो उस दिन भी उसने उस बतौर रिश्वत जोड़े हासिल कर ले सी। ते बाकी जो 50,000 चो 30,000 से वह अज जो करनैल सिंह SHO गुरिंदर सिंह जरा अजो दफ्तर के उतो जो हासिल कर रहा तो साड़ी विजिलेंस जी टीम सी इंस्पैक्टर अमनदीप और DSP गुरिंदरजीत और होर उन्होंने जाल बिछाया सीगा ट्रैप लाया तो जो ही उसने SHO ने जोड़े वे पैसे उत्तों हासिल किए तो साड़ी जी टीम ने है मौके पर उन्होंने उ दफ्तर के थाने के उसू काबू कर लिया और सरकारी गवाह की हाजिरी में जो 23,000 रुपये से वो जो मौके पर बरामद किए। इस संबंध में मुकदमा नंबर 15 अधीन धारा 7 PC Act अमेंडमेंट एक्ट 2018 थाना विजिलेंस ब्यूरो फिरोजपुर दर्ज रजिस्टर किया गया। जेसीबी का मामला आया जी, जेसीबी चोरी हुई थी 13 तरीक शाम 8 बजे जी, खोख लै गए जवाना पिंड जी, उनकी असी इतनी फराई FIR तो अज 9-10 दिन हो गए किसी ने भी मैं गल नहीं सुनी। इस बंद ने मांग की 1,00,000 रुपये की SHO नाम गुरिंदर सिंह, इसने 1,00,000 रुपये मांग की कि कहता भी 50,000 मैंने पहला दे दे, 50,000 जो अंदर मशीन लग जाएगी ना तो 50,000 तू तेन वह दे दी मैं, तो मैं फिर आखिर चलो ठीक है जी। अज इन पहला दिता 27,000 रुपये, अज दिता 23,000 रुपये, 50 पूरा हो गया से 50 जो कहना सी लभ के देवगा। फिर मैं तो कहना मेरी मशीन मैंने तो मशीन चाहिए JCB मेरे को, एक तो JCB मेरी 15,00,000 की लै गए, एक उत्तू पैसे लाओ कोई जिंद जाओ 1,00,000 रुपये दे, 1,00,000 तो घर डिमांड ही नहीं होती जी, मैं कितों 1,00,000 लेवा जी। होर भी जोड़े इस तरह के असं कहने भी कोई इस तरह का कोई किसी को रिश्वत लेंदा है या कोई किसी को हरासमेंट करता है, पुलिस वाला हो कोई महकमे वाला हो तो सानू दसे तो असी इस तरह का जोड़े रंगे हथी जो करप्ट लोगों जो फड़ाओ। बिल्कुल जी ये दबाण की तो चलो हो सकती है भी कोई दबाया जाए मामला, चलो विजिलेंस को सानू पता भी नहीं दबाया जा सकता, जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होएगी होएगी, पर जो नसीब संधु को है राणे सोढ़ी का PA को है वो ये बड़ी दखलदाजी कर रहा है क्योंकि JBC मशीन एक वह राइट बनता है तो वह खो के लै गया बकायदा वो इतने आता है कि मैं यदा कहता अगवाई करा का कोई वो नेड़े आ के वेखे जो कोई सारा कोई किश्त भर चुक है बकायदा वो एग्रीमेंट होया है तो वो कोई खून वाली गल हो ही नहीं सकती, जो वे कोई है लैन देन का तो उन्होंने बैठ के कर लेना चाहिए, खून खून वाली गल नहीं होनी चाहिए। सो मैं ये करता किस तरह का भी कोई मामला हो सू बैठ के हल करना चाहिए कि इस तरह का काम नहीं करना जिम्मे गुंडागर्दी वाला काम नहीं करना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।